और राम प्रेमी जाबी बंदी जन बंदर हमारा सहयोगी सुनवाला जो हनवाला सभी महापुरुष होते हैं हमारो बार बार प्रणाम जे और रामचंद्र जी रामचंद्र जी गंगा पार देते हैं चित्रकूट माँ जानन और चित्रकूट माँ देते हैं वाल्मीकि आश्रम मिल दे वाल्मीकि आश्रम मिल देते हैं सुमंत जी गौर भेज दिन दोनों राम जी ना तो जानम सी रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सीता जी मुनि वाल्मीकि ते प्रणाम करन तब मुनि वाल्मीकि जी होते हैं आशीर्वाद देना स्वस्ति स्तुते कुशलमस्तु चिराय रस्तु गोबाज हस्ति धन धान्य समृद्धि रस्तु ऐश्वर्यमस्तु रिपुक्षयस्तु संतान वृद्धि सततम हरिभक्ति रस्तु आयुष्मान भवः सौभाग्यवती भवः यशस्वी भवः। तब वाल्मीकि जी पूछना कहते हैं भगवान राम जी से राजेश्याम मां चौपाई मां राजेश्याम मां बोला क्या स्वागत करी सकूं मैं तुम्हारो क्या स्वागत कर सकदू मैं तुम्हारो के कारण तुम यो कष्ट करे के कारण तुम नयो कष्ट करे यो वाल्मीकि ते दर्शन दीने रघुबर मेरो उद्धार करे वाल्मीकि के दर्शन दीने रघुबर मेरो उद्धार ये प्रभु मैं बार बार प्रणाम करूं तुम्हें तई क्या कारण छो तुम्हारो प्रभु जी क्या कारण छो तुम्हारो प्रभु जी यो मुनियों को बेस बनायो चायो मुनियों को बेस बनायो किले घूमना बोनो बोनो मां किले कष्ट प्रभु किले घूमना बोन बात लुमा किले कष्ट उठोना प्रभु अब राम जी राधेश्याम जन बना फिर वाल्मीकि जी मुँह मैं ते बचन पिता न दीना मैं ते बचन बबुआन दीना आज्ञा दीने बोली बोन जतु आज्ञा दीने बोली बोन जतु बरस जंगल मारे ते अयोध्या है जे तू बरस जंगल मारे ते बोले अयोध्या है जे
जब जंगल को मैं प्यार होयूं मैं जब जंगल उनक प्यार होयूं मैं सीता ना अति हट करिया ले सीता ना अति हट करिया ले बुला लखन मैं बिना निरंद सो भी हम दरिया लखन मेरा बिना निरोंद सोनी हमारा दगड़ाए आप जन रोला तन रह सकतन और यखी अयोध्या समझीते हैं समझिए ना तुम कि यह हमारी अयोध्या छो ये था सुंदर जगह छो ये चित्रकूट देखो चित्रकूट छो फिर राजेश्याम शर्मा मुनि जी चित्रकूट का डांडा चिन्नई चित्रकूट का डांडा चिन्नई यख सुख होल तुम ते प्रभु जी बस यख सुख होल तुम ते प्रभु जी फाणो बोण चो ऊंचो डांडा चिन्ह मृग हाथी बोलना स्वान बोल जो ऊंचा डान हाथी बाग बोलना स्वान बोल जो ऊंचा डान चिन्ह प्रभु मृग बाग हाथी बोलना तब मुनि जी वाल्मीकि जी रामचंद्र जी ते बटु बतेते हैं और प्रणाम करीते हैं अपनी कुटिया माँ न रामचंद्र जी अग्नि पहुंचते न और पंचवटी का रास्ता पकड़ जो ते के बाद क्या हुए प्रभु तवारो सुमंत जी अयोध्या माँ पहुंचे जवारो सुम राम जी पंचवटी चित्रकूट मा गया तवारो सुमंत जी अयोध्या मा पहुंचे तुसी अयोध्या मा देते हैं किसन बना तो भारी दुर्लभ होगी बहुत मुश्किल समझना सी तुसी छिन बनाऊ
अवध माँ कहे मुख से जोलू अवध माँ कहे मुख से जब लुपू बुल मैं जब पूछल राजा अवध माँ कहे मुख से जोलू अवध माँ कहे मुख से जोलू क्या बोलू मैं जब पूछल राजा अवध माँ कहे मुख से जोलू अवध माँ कहे मुख से बिगड़ी गए अब काम सब बिगड़ी गए अब काम सब उल्टी हुएगी सब बात बिगड़ी गए अब काम सब उल्टी हुएगी सब बात क्या छो क्या अब हुए गए सब बिना के हाथ अवध माँ के मुख से जोलू अवध माँ के मुख से जोलू क्या बोलू मैं जब पूछल राजा जंगल गया राम लखन जंगल गया मैं तो खेलिया राम लखन जंगल गया मैं तो खेलिया आज मौत भी मैं क्या कर मैं उपाय अवध माँ के मुख से जोलू अवध माँ के मुख से जोलू क्या बोलू जब पूछल जब राजा बाद सुमंत जी राजा दशरथ का महल में पहुंचे न तो राजा जो छो लंबा वया छो विस्मय में छो आंखी टकटकी करी छी एना का कि राम लक्ष्मण सीता सुमंत अभी तक नहीं आए बहुत देर हुए गए क्या बात हुई बोली जय जय बंधु जी मेरा राम छा प्राण का प्यारा मेरा राम छा प्राण का प्यारा सीता लक्ष्मण आँखों का तारा सीता मेरा राम छा प्राण का प्यारा मेरा
नाचनो महाराज साष्टांग प्रणाम राजा जिन पूजे सुमंत राम लक्ष्मण सीता ऐग्या कक्षना आया कक्षना तब मंत्री जी से बना महाराज जी धीराज जी मैंने आपका बोला पर बहुत समझाया सी राम भी समझाए लक्ष्मण भी समझाए सीता भी समझाए पर सीति ने कई भी प्रकार से नहीं माना तब तो मैं जिद्दी करी थे वापस भेजी कि तुम अयोध्या मां चल जा। तब राजा जी फिर जय जय वंदन बना जख गया राम लक्ष्मण सीता जग गया राम हरे लक्ष्मण सीता मैं भी तुम तकी ते तुझे गया मैं भी तुम तकी पहुँचे जब राजा जी दशरथ जी बोल बैठा रोण बैठा गग जना चना तब सुमंत जी से फिर बना जय जय बंती समझौड़ा छन दशरथ जी के धीरज धर तुम मन मां स्वामी धीरज रख तुम मन मां स्वामी राजा जी तुम पंडित छिन जाने राजा जी तुम पंडित जाने धीरज धर
महाराज जी आप ज्ञानी महापुरुष छ ना आप ते इन समय पर धीरज रखन चाहिए आपका बच्चा लोग जंगल मा मुनियों का साथ माचना बड़ा बड़ा बाबा छन तक बड़ा बड़ा ऋषि मुनि छन तक और राम जी तो प्रसन्न छन तब राजा जी फिर बना छन हे कौशल्या हे महारानी कौशल्या मेरी बात सुन लो याद है ओणी में जब श्रवण कुमार अपना अंधा बुए बाबू का साथ जंगल मा पानी की गागर लेते तालाब का है आयु छो तालाब मु और बुए बाबू ते तीर्थ यात्रा करो नो थे घुमाणो ले जानू छो तो तालाब मु आई शब्द से तेन जन्नी पानी की गागर जो चा तालाब उन डुबाए ते पानी पर शब्द हुए गुद गुद ये प्रकार को शब्द होन से मैंने समझी तक हुए मृग बैठो मैन शब्द बेड़ बार छोड़े जिन श्रवण मार जे प्राण से श्रवण मार मर गए और मैं पापी यखिमो बज मैन पानी लीजे थी तब श्रवण कुमार ने मर दी दो मैं मुँह बोल और क्या बोलू मैं पर ये पानी लीजे थे मेरा अंधा बोए बाबू ते पानी पिले जा सीता मुँह बैठा छे जे प्रकार हम दी तब मत पानी लिए थे तो भी अंधों का पास गयूँ वृद्धों का पास गयूँ तो भी मैं श्राप जी ने पानी कह प्यौन सो तो पूछ क्वेश्चन तुम कुछ तो राजा जी ने बोली मैं राजा दशरथ छू अयोध्या को राजा
अरे मेरु हमारो बालक को गे श्रवण तू कब आयो तो राजा दशरथ जी थे बना महान भाव मेरे ब्रज ऋषो तुम्हारो श्रवण जो मेरा बाण लगन से शब्द भेजी बाण लगन से प्राणांत बगिनते का तो पानी बनो छो मैंने समझे मैंने समझेगी जंगल को कोई मृग छो पानी पियोनु और सुते का प्राण निकले तब तो भी श्रवण का माता पिता नो जे प्रकार श्राप दी राजा दशरथ जे प्रकार हम भी माता पिता पुत्र का वियोग मां प्राण त्यागना छना एक दिन हे राजा तू भी पुत्र वियोग मां मर जलो सो आज सो सामने आएगी सो ते दिनो श्राप जो मेरे सामने आएगी राजा जी मनाचन फिर जय जय बंती मां रोंदी रोंदी प्राणांत समय मेरा राम तुम कख चली गए ना मेरा राम तुम कख चली गए ना तुम बिन प्राण अब त्याग ले दशरथ जी को प्राणांत हो गया और सुमंत जी तो हिमोशा कौशल्यर ओ कैकई सुमित्रा तीनी रानी भी तो हिमोशे सुमंत जी तखबे अब सामुम शानो आदमी कोई नहीं छो सुमंत छो सो बहुत जल्दी वशिष्ठ जी का पास आंदे तोमु बोल हे महाराज जी हमारा राजा महान राजा दशरथ जी का प्राणांत हुए यहाँ स्वरूप परिवार शोक मान डूबी गए अब क्या कन चैन क्या क्या कन चैन उपाय बता तब गुरु जी बना दें गुरु जी फिर सुमंत देव महल महल माँ राजा का राजा का और गुरु जी बोल दो ना सुमंत जी बहुत जल्दी गए मंत्री तय जो तुम जो शत्रुघ्न अतिशीघ्र भरत शत्रुघ्न तय मामा कोट में बुलेख लिया तब ही राजा को दास संस्कार बोल भाई नैत करके वो तुम मंत्री जी बना चल अपना टूटू टाइम भयंकर ये दूत बहुत जल्दी रख लेते हैं तुम जो जितना शत्रुजीत राजा की राजधानी में जवा और बोलते हैं बोले कि राजा जी और रानी जी कह कही ना तुम बहुत जल्दी बुलाए थे ये बात बोले तब दूत तो जान राजा शत्रुजीत की राजधानी में तो लड़ी बोझ और तो अपना नाना मुंह प्रणाम करीते हैं सेवा करीते हैं
असि बहुत जल्दी जो है ना लेते हैं कई कई का भवन माए जन अयोध्या माए जन शत्रुघ्न भरत अब साहब तो कई कई जो बैठी तब कह गई जी छन तो मु बनाऊ रागनी मा छन बना ठुमरी मा बला रे मामा का घर मा यख तुम भी बे मेरा लाडा बला रे मामा यका यख तुम भी बे मेरा लाडा तुम खुद भी लगी घर की अपनी माँ की मेरा साका तुम खुद भी घर की लगी अपनी माँ की मेरा साका भला रया मामा का यख तुम भी मेरा ये लाडा भला रया मामा का यख तुम भी मेरा लाडा राजी खुशी सी तुमर मामा का घर छोटा बड़ा लाडा राजी खुशी छन तुमर मामा का घर छोटा बड़ा लाडा मलोख भी लगी तुम ते की लगी भूख मेरा साका मलोख भी लगी तुम ते की लगी भूख मेरा साका घर मामा का घर माँ तुम भी मेरा लाडा अब जब ये प्रकार से कह कही माता तो आलिंगन करी और राजी खुशी पूछ ली शत्रुघ्न है अट्टों को आलिंगन करी आशीर्वचन दी तब भरत जी छन बना क्या छन बना तुम्हार में ते कुशल छिन मा हमार घर का सुनो हाल तुम्हार में ते कुशल छिन मा हमार घर का सुनो हाल तुम्हार में ते कुशल छिन मा हमार घर का सुनो हाल दुखी सब लोग छिन दिखाना लखन सीता कखन छिन राम दुखी छिन सभी लोग दिखाना लखन सीता कखन छिन राम तुम्हार में ते कुशल छिन मा हमर घर का भरत जी कबाली बदल कह कही माता मु तो मोर कोई नहीं कौशल्य भी अपने रोन चली गए
सुमित्रा भी वरदान पर ले गए, सुमंत भी कार्यक्रम पर ले गए, तो हम कह कही थे अरे भरत तो शत्रुघ्न सिन बना ते कह कही मेरी माँ ता तू झट बोले कख छन राम जी लक्ष्मण मेरी माँ ता तू झट बोले कख छन राम जी लक्ष्मण छन कख सीता माँ बैठी छन कख सीता माँ बैठी तू बोले जट करी हे माँ मेरी माँ तो जट बोले कख छन राम जी तब कौशल्या ये कह कही जो थे राधे श्याम बाबू ने कपट कपट करी मैंने राजा जी से कपट करी मैंने राजा बाकी पहला
का बहुत इच्छा, सिंबल काम है नाराज मेरा, जो सुराज मिले गए तैसी बचन काम है आज मेरा, यो सुराज मिली गे अब पे तैसी बचन काम है आज मेरा, यो सुराज मिली गे पे निखे मिलते रही याद ये बेटा, निखे मिलते ये रही याद मंथरान मैते, ते दिन मंथरान मैते चिते दिनों, बस बेटा ये बचन के बात कर राजा जी, बस बेटा ये बचन बात पर राजा जी दे होश होया, बचन पर बात पर बेटा राजा जी दे होश होया, क्या बात सुनी तई दशरथ जी ये भरत जी तो श्री गिरिजन महाप्रजन माथा है यथा सुना न जमीन पर बेहोश हो जन और तब फिर उठ जन और तो पर बड़ो भारी गुस्सा है तो पर दशरथ जी ये भरत जी फिर कह कही बोली भरत राजेशा, ये भरत ये मेरा भरत राजा जी ना, ये मेरा भरत राजा जी ना, यो राज राम तही दीने, यो राज राम तही दीने, ए बेटा का खातिर मैं बेटा का खातिर मैंने ले बतियो कर दीने, बेटा का खातिर मैंने ले बतियो कर दीने, बचन मेरा छा राजा जी पर, जो भी बचन छा राजा जी पर, सी पर मान्या मैंने तो से सी पर मान्या मैंने तो से, भरत राजा पर पहला बचन मात तब दीने राजरा राज सजन बेटा, पहला बचन भरत राज पण पहला बचन मा तब दीने राजा राजन बेटा, दीने बल बचन मा तब दीने राज
राज कर राज चलो उनको निडर होते हैं कई प्रकार की चिंता नहीं थे सुत बोलू वो ही मंत्रा वो यहाँ जैन में ते समय पर राय दी ली याद दी ली तब भरत जी चन बना चौपाई माँ जय जय बंती माँ हंसी बीते Karane wegi hansi tera, karane wegi teri budin saru kul naswe, teri budin saru kul naswe, budi jinjo ai. जम जरम भगत किले मारियो कही बुनी मेरा लाडा भरत मैं देख तेरे पर ये सर्व कुछ सब कुछ करे और उल्टे गुस्सा होणू तो मैं पर गाल भी जोणू मैं ता अब मैं क्या कन कख जान कनो ब्रह्मंड फूटी मेरो ये प्रकार से कह कही जो रोण बैठे तब भरत जी फिर सिर बना
गुस्सा भरत जी पर। छोड़ ली मैंने तेरू राय जी छोड़ में जो कई बुनी फिर रोंदी रोंदी तेनी ब्रह्मांड च फोड़नी है पर तेनी रोवानी च है तेनी हाहाकार च करनी तेरा पर मैं सो हाग गवाए तेरा पर मैं सो हाग गवाए तेरा पर मैं सो हाग कालो मुख करवाए दुनिया मा कालो मुख करवाए बिबनुयो सब बुरु हुए गे तू बिबनुयो सब
भरत जी थे मना कति दुष्ट छा तू क्या करी पीना कति दुष्ट छा तू क्या करी कई रागी मंत्रा कई कई शत्रुघ्न मंत्रा कई कई शत्रुघ्न मंत्रा कई कई तब तक वैसे जंगल भी जाने ना बड़ा सुबह जाने लिव लोड अभी आप लोग चलेंगे भाई मैं नगर जाने तो Thank you.
आज की लीला यखी मु समाप्त छ और बहुत से लोगों को कमेंट भी आया छिन। तो अभी जय श्री राम, जय श्री राम बोलो सारे, जय श्री राम, जय।